और फोटो में देखने में और रियल में देखने में बहुत फ़र्क पड़ जाता है इसमें। इसलिए हम लोग तो ये कहते हैं कि ऑफलाइन लेना ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसमें ग्राहक को हर चीज़ की एक तरह से तो गारंटी है, क्वालिटी है। हाय, वेलकम बैक नेत्रा फैशन। आज हम आए हैं इंदौर के होलसेल कपड़ा मार्केट में। हमने इससे पहले जो व्यू आपके साथ शेयर किया था वो रिटेलिंग कपड़ा मार्केट का था। आज हम आपको लाए हैं कपड़ा मार्केट के होलसेल मार्केट में, यानी अंदर की साइड जो दुकानें होती है जहाँ पर रिटेलिंग होलसेलिंग दोनों होती है, पर खासकर होलसेलिंग होता है। अगर आप रिटेलिंग भी लेना चाहें तब भी यहाँ पर मिल जाता है। अभी जो आपको शॉप दिखाई जा रही है शिवम फैब्रिक्स एवं प्लेन साड़ियाँ, यहाँ पर आप सबसे पहले नंबर नोटिस कर लीजिए क्योंकि नंबर का बहुत इश्यू होता है। एड्रेस हमने आपके साथ क्लियर किया है। यहाँ पर आपको हर तरह के ब्लाउज पीस के कपड़े मिल जाएंगे, लहंगे के भी कपड़े मिल जाएंगे, प्लस प्लेन पोत मिलेंगे, वो भी हर क्वालिटी के। तो यहाँ आप एक बार विजिट जरूर कीजिए। अभी आपके सामने जो ब्लाउज़ दिख रहा है ये सिर्फ 450 रुपये का है, जिसकी प्राइस ही मिनिमम 400 रुपये सिला होती है सिलवाने की। अब वो आप देख सकते हैं ये आपको ओनली 450 रुपये में मिलेगा। और यही नहीं, हर तरीके के आपको यहाँ पर ब्लाउज़ मिल जाएंगे, जैसा आप लेना चाहें वैसा आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं। बस अगर एक बार आप विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। भैया आपका नाम क्या है? मेरा रणजीत सिंह नाम है। अच्छा, आपकी शॉप का नाम? और शॉप का नाम शिवम फैब्रिक्स है। अच्छा, ये किस जगह है? ये नलिया बाखल एमटी क्लॉथ मार्केट में है। आपकी शॉप कितनी बजे से कितनी बजे तक खुली रहती है? सुबह 11:30 बजे से खुल जाती है, 11:30 से 9 बजे तक रात को। तो आपकी शॉप पर होलसेलिंग दो रिटेलिंग दोनों? हाँ, दोनों। तो आपकी शॉप में मिनिमम जो रेंज होती है वो शुरुआत कितने से होती है? जैसे प्लेन साड़ियाँ रखता हूँ मेनली, तो 200 से स्टार्ट होता है, 200 से लेकर 550-600 रुपये तक आती है। और यदि अपन होलसेल में लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा और कंसेशन हो जाता है रेट। साड़ी के अलावा ब्लाउज पीस में सब तरह के मटेरियल मिल जाते हैं, फैंसी ब्लाउज है, जामा है, रेडीमेड ब्लाउजेस हैं, ये सभी मिल जाते हैं। और सब में वैरायटी है, कॉटन सिल्क मिल जाता है, ये भी होलसेल भाव में मिल जाता है। और जैसे सलवार सूट के लिए मटेरियल लगता है कि कुर्ता अपन डिज़ाइनर ले लेते हैं, सलवार उसकी प्लेन, ये दोनों भी मिल जाती है, ये आइटम रखते हैं। जॉर्जेट आता है, ये 200 ओनली है ना। एक ये आता है और एक आता है ये 425, 425 रुपये का आता है। ये एक सिल्क है, बेंगलोरी सिल्क, इसमें भी सारे कलर्स मिल जाते हैं। और एक अभी जो सबसे मेनली चल रहा है वो चल रहा है इटालियन क्रेप, ये 550 का, 550 जी। ये 5 में जाती है, 6 से 6.5 के बीच जी। देखिए जैसे जॉर्जेट है, इसमें सारे कलर्स हैं और सिल्क है, सिल्क में भी सिल्क का टेक्सचर अलग आता है, उसके कलर का टोन अलग आता है और जॉर्जेट का अलग आता है, दोनों के अलग अलग आते हैं। और जो तीसरा जो मेन चल रहा है इटालियन क्रेप है, उसका कलर चार्ट अलग आता है, सबके कलर रेंज मिल जाती है। अच्छा, इसी टाइप से रेडीमेड ब्लाउज़ में भी सारी वेराइटी मिल जाती है। रेडीमेड ब्लाउज़ में जैसे अपन स्ट्रेचेबल अभी चल रहे हैं, हर साड़ी पर चल जाते हैं, ऐसे ब्लाउजेस भी आते हैं जो एक ब्लाउज कई साड़ियों पर चलता है। इस ब्लाउज ये 200 रुपीज़ में बेचते हैं, और कभी जैसे होलसेल हो तो लगभग 135 में आ जाता है, इकट्ठे लेते हैं, है ना। ऐसे ब्लाउज में सारी वैरायटी है, जैसे ये एक ब्लाउज आते हैं, ये 200 का आता है ब्लाउज़, ये भी होलसेल में 125 में दे देते हैं हम, इकट्ठे में किसी को लेना हो तो, बेचने के पर्पज से लेना हो तो। इसमें सारे कलर रेंज आ जाती है, इसमें भी काफ़ी कलर आ जाते हैं। हाँ, हेवी वर्क वाले भी मिल जाते हैं, जैसे ये मिरर 450 रुपये का पड़ता है। अभी आप देख सकते हैं 450 रुपये में आपको स्टिच करा हुआ ब्लाउज, स्टिच करा हुआ है, 500 रुपये तक में आपको सिलाई पड़ती है। हाँ, ये देखिए एकदम हैवी ब्लाउज, ये भी 500 का है। अभी अपन कपड़ा लेके सिलाते हैं तो 300-400 तो खाली स्टिचिंग ही लगती है इस ब्लाउज, इतने में अपने को रेडी मिल जाता है। कॉटन का मटेरियल आता है जो सब कामों में आ जाता है, इसके पेटीकोट्स भी बनते हैं, इनर के काम में भी आता है। ये कॉटन सिल्क है, ये ब्लाउज में भी चलता है, सूट में भी चलता है। कॉटन सिल्क करीबन ब्लाउज 65 रुपीज़ का पड़ता है एक ब्लाउज का, अच्छा कपड़ा आता है, गारंटेड आता है, और इसमें भी सारे कलर्स मिल जाते हैं लगभग। और साटन का क्या रेट है? साटन 50 रुपीज़ मीटर आता है, जितना लेना हो, बड़ा पन्ना आता है ये भी। अच्छा। इसके अलावा पेटीकोट्स भी रखते हैं, पेटीकोट आता है 120 रुपये का, पेटीकोट आता है नॉर्मल साइज का, और यदि हेल्थी लेडी है तो 150 रुपीज़ का आता है उनके लिए। कॉटन यस, कॉटन। अच्छा, अनारसी में सारे ब्लाउज आ जाते हैं, बहुत अच्छी वैरायटी आती है। ये सिल्क जामा है, सिल्क जामा। ये 180 रुपीज़ मीटर आता है, 180 रुपीज़ मीटर। इसमें सारे कलर्स मिल जाते हैं, काफ़ी कलर्स मिल जाते हैं, इसमें अच्छे अच्छे कलर आ जाते हैं। देखिए अब सिल्क में, इसमें ये भी आ जाता है, इससे कम रेंज में भी आ जाते हैं,
दोनों में सभी हम वैरायटी रखते हैं। इसकी क्या रेंज बताइए? 180 रुपीज़ मीटर है और एक 150 रुपीज़ मीटर भी आता है जो कम का आता है थोड़ा सा, ये जामा आता है, ये 150 रुपीज़ मीटर। सबके पने बड़े आते हैं। अच्छा, एक रहता है गोल्डन ब्लाउज जो चल रहे हैं, ये भी बहुत बढ़िया आता है, 110 रुपए का एक ब्लाउज आता है थान में। थान में मिलेगा? जी हाँ, थान में आता है। अब ऑनलाइन में और इसमें ये सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है कि ऑनलाइन में कपड़ा ग्राहक के हाथ में तो रहता नहीं है, ग्राहक क्या केवल फोटो देख के पिक्चर देख के और यस कर देता है और मंगा लेता है। कई बार जैसे साइज़ का डिफरेंस पड़ जाता है, फिर वापस उसको रिटर्न करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम लोग क्या है कि यहाँ बैठ के दे रहे हैं, अगर हम गलत चीज़ देंगे तो आप कल फिर आके चेंज करा सकते हो हमसे। दूसरा, हम कपड़ा आपको हाथ में लेके देखेंगे, आप हाथ में लेके ले सकते हो। और फोटो में देखने में और रियल में देखने में बहुत फ़र्क पड़ जाता है इसमें, इसलिए हम लोग तो ये कहते हैं कि ऑफलाइन लेना ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उस आपको समझ में आया?